फ्रेंड्स, आज मेरा काम आप लोगों को सुनने का था, आप लोगों को समझने का था। और आपको सुनना और आपका समझना इसलिए ज़रूरी है कि मैं सार्वजनिक रूप से भी ये कहता रहता हूँ और ये मेरा कन्विक्शन भी है कि इतना बड़ा देश, अगर सरकार इस भ्रम में है कि वो चला रही है, तो ये कहाँ जाएगा ये कहना कठिन है। एक शैल चतुर्वेदी करके बीती हुई पीढ़ी के कवि थे, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार हास्य व्यंग लिखा था और वो कहते थे कि एक नेताजी कार्स में जा रहे थे और नेताजी ने ड्राइवर से कहा, आज कार मैं चलाऊंगा। तो ड्राइवर ने कहा, साहब मैं उतर जाऊंगा। तो नेताजी ने पूछा, क्यों? तो ड्राइवर ने कहा, सर ये कार है सरकार नहीं, जो कोई भी चला ले। और इसलिए और हमारे देश में ये कोई नई कल्पना नहीं है, थोड़ा सा पीछे चले जाए हम, ज़्यादा नहीं 50 साल करीब, तो हमें ध्यान में आएगा कि सरकार की प्रेजेंस बहुत ही कम स्थान पर थी, सामाजिक रचना ही ऐसी थी कि जो समाज व्यवस्थाओं को बल देती थी। अब कोई मुझे बताए कि ये स्थान स्थान पर जो ग्रंथालय बने हुए हम देखते हैं, वो क्या सरकारों ने बनाए थे क्या? समाज के कुछ मुखिया जिसकी उसमें रुचि थी उस काम को खड़ा करते थे। इवन एजुकेशन, हमारे देश में जब एजुकेशन और उसके साथ रुपये पैसे और व्यापार और व्यवसाय जुड़ गया, तब उसका रंग रूप बदल गया। लेकिन एक जमाना था जब समाज के चैरिटी एक्टिविटी करने वाले लोगों ने पूरी एजुकेशन व्यवस्थाओं को विकसित किया था और करीब करीब डेडिकेटेड भाव से किया था। इवन जिस इलाके में पानी नहीं होगा तो पानी पहुंचाने का प्रबंध भी सामाजिक व्यवस्था के तहत होता था। हम ये राजस्थान गुजरात की तरफ जाएंगे तो बावड़ी देखते हैं, ये कोई सरकारी प्रकल्प नहीं था, जन सामान्य ये आंदोलनों को चलाते थे। और समाज के जो मुखिया होते थे वो इन चीजों को करते थे। और इसलिए हमारे देश में सरकारों के द्वारा व्यवस्थाएं बनती होगी, लेकिन विकास को बल हमेशा समाज की भिन्न भिन्न रचनाओं के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा, उनके सामर्थ्य के द्वारा, उनके समर्पण के द्वारा प्राप्त होता रहा है। अब वक्त बदल चुका है और इसलिए बदले हुए व्यक्ति में हमने व्यवस्थाएं भी बदलनी होगी।
ये उस दिशा का प्रयास है कि समाज में इस प्रकार की शक्ति रखने वाले, कोई धन संपन्न होगा तो कोई ज्ञान संपन्न होगा तो कोई अनुभव संपन्न होगा तो कोई सेवा संपन्न होगा, ये जो शक्तियां हैं बिखरी पड़ी है, अगर एक बार उनको एक धागे में परो दिया जाए तो एक ऐसी फूलमाला बन सकती है जो फूलमाला माँ भारती को और अधिक सुशोभित कर सकती है। तो ये वही प्रयास है कि समाज में ऐसी जितनी भी शक्तियां हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। अगर आप बारीकी से सरकार के कामों को देखते होंगे, जो मीडिया में आता नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है जो मीडिया के लायक नहीं होती है लेकिन बहुत लायक होती है। आपने देखा होगा कि सरकार में पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये पद्म अवार्ड, हमारे देश में पद्म अवार्ड कैसे मिलते थे आपने अगर कोशिश की होगी तो आपको रास्ता मालूम होगा। कोई नेता रेकमेंड कर दें, सरकार रेकमेंड करे, मतलब कि वो भी पॉलिटिशियन होता है, वो रेकमेंड कर दें, और ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस के डॉक्टर होते हैं वो ही पद्म के लिए लायक होते हैं। हमने एक छोटा सा रिफॉर्म किया, हमने रिकमेंडेशन करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति खुद के लिए किसी के लिए डिटेल भेज सकता है, किसी ने कहीं अखबार में पढ़ा वो कतरन भेज सकता है, भेज देखिए ऐसा किसी इंसान के मेले में जाना था, और हजारों की तादाद में ऐसे लोगों की जानकारियाँ आई। तो ये यंग टीम प्रोफेसर किसी को जानती नहीं थी, चेहरा नहीं जानती थी, जो पढ़ा हुआ उसमें से उसने खोजना शुरू किया और एक शॉर्ट लिस्ट किया, फिर जो कमेटी बनी थी उसने काम किया। और आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री मिल रहा है इन दिनों, कि जो अननोन हीरोज है। अब आपने देखा होगा कि बंगाल का एक मुस्लिम लड़का जिसको इस बार पद्मश्री दिया, क्या था, तो उसने अपनी माँ मर गई और कारण क्या था, तो मेडिकल ट्रीटमेंट संभव नहीं थी, और उस माँ की मृत्यु से उसके मन हिल गया और उसने एक मोटरसाइकिल पे लोगों को, पेशेंट को ही है तो उठा करके डॉक्टर तक ले जाने के लिए अपना काम शुरू किया, खुद भी पेट्रोल खर्चा करता था, काफ़ी कुछ मेहनत करता था, और उस पूरे इलाके में एम्बुलेंस अंकल के नाम से वो जाना जाने लगा। अब ये अपने आप सेवा कर रहा था आसाम के, बंगाल के उन इलाकों में, सरकार के ध्यान में आया, ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार की कोशिश है कि देश के हर कोने में हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है देने के लिए, हम इसे जोड़ना चाहते हैं, और सरकार को फाइल से बाहर निकाल करके जन जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये टू वे हमारा प्रयास है, और उसी के फलस्वरूप एक व्यवस्था हमने बनाई। ये ठीक है, इसमें हर एक को लगता होगा नहीं नहीं वो आया होता तो अच्छा होता, उसको बुलाया होता तो अच्छा होता, कई सुझाव होंगे, लेकिन ये पहला प्रयास था, पूरी तरह सरकारी प्रकार का प्रयास था, और इसलिए इसमें कमियां भी बहुत हो सकती हैं, हमारे सोचने के तरीके में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो प्रयोग है इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करें।
इसको ईयरली इवेंट कैसे बनाएं और उसको एक प्रकार से गवर्नमेंट के एक्सटेंशन के रूप में, जैसे आप लोगों ने 6 ग्रुप बनाए, 6 ग्रुप में भी एक एक ग्रुप में 5-5 अलग अलग विषयों पर आपने फोकस किया, अलग अलग बातों पर फोकस किया। अब मेरे मन में विचार आ रहा है कि क्या यही ग्रुप उस कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ परमानेंट जुड़ सकते हैं। जिन्होंने डिजिटल पर काम किया वही अगर अपना समय ऑफर करते हैं तो मैं सरकार में जो डिजिटल इंडिया का काम देखते हैं उन अफसरों के साथ, उस मंत्री के साथ एक टोली बना दूं, हर महीने वो बैठें, नई नई बातों पर चर्चा करें। क्योंकि जैसा यहाँ पर सूची बता रही थी कि लोगों को, भाई मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो नहीं जानता डिजिटल क्या होता है, ये सिर्फ सामान्य मानव का नहीं है, सरकार में भी है जी। सरकार में डिजिटल का मतलब है हार्डवेयर खरीदना, सरकार में डिजिटल का मतलब है कि पहले जैसे फ्लावर पॉट रखते थे अब एक बढ़िया सा लैपटॉप रखना, ताकि कोई भी विजिटर आए तो लगे कि हम मॉडर्न है। तो इस सोच वाली सरकार होती है भी, अब 50-55 के बाद वो भारत सरकार में लोग आते हैं। अब आप 30 के नीचे का दिमाग रखते हो, मैं इन दोनों को मिलाना चाहता हूं। ये इसकी शुरुआत है और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आज सरकार में मेरे साथ जो टीम है, सचिवों की, मंत्रियों की, अगर मान लीजिए 200 लोगों की टीम में मान लूँ, मेरा उनसे लगातार इंटरेक्शन होता है और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होता है जी, मैं कलीग के तरह उनके साथ अपना समय गुजारता हूँ। और पिछले 3 साल के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूँ कि जैसे वो किसान खेत जोतता है ना, बारिश आएगी कब आएगी पता नहीं, फसल कौन सी कैसी होगी पता नहीं, फसल होगी तो बाजार में मूल्य मिला, लेकिन फिर भी वो खेत जोतता रहता है। मैंने भी मेरे इन 200 लोगों के दिमाग में जोतने का काम बहुत किया है। और मैं अनुभव से कह सकता हूं कि आज वो किसी भी विचार बीज को एक्सेप्ट करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और पूरी तरह उसके साथ जुड़ने को तैयार है। ये अपने आप में मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार की मेरी सीनियर टीम हर नई चीज को खोजने के लिए, समझने के लिए, स्वीकारने के लिए ऑब्स्टेकल बनने के बजाय उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है और प्रयास कर रही है। इसी एक कारण से मेरी हिम्मत बढ़ी है आप लोगों को मेरे साथ जोड़ने की। अगर वही ऑब्स्टेकल होता तो मैं नहीं करता, सोचता भी नहीं, क्योंकि आज आप ही लोग यहां से 6 महीने के बाद जाकर के नेगेटिविटी के सबसे बड़े एजेंट बन जाते। अब मैं आप कहते यार छोड़ो यार सब बात तो बहुत करते हैं, सब ऐसे ही है, लेकिन ये मैं हिम्मत इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मालूम है कि मेरी जो मेन टीम है वो नई चीजों को स्वीकारने के लिए बहुत उत्साहित है। आपने जितनी बातें बताई हैं, आपने कल भी उनके साथ चर्चा की, आज भी वो लोग यहां बैठे हैं कुछ लोग उसमें से, तो ये प्रयास हमें लंबा चलाना है।
हमें आगे बढ़ाना है। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप में से बहुत लोग हैं जो एक दूसरे को पहली बार रूबरू में मिले होंगे, शायद सुना होगा, पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में जाना होगा कि कोई एक सज्जन है जो इस दिशा में ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब आपका एक परिचय हुआ है, आपकी एक टीम बन रही है, हो सकता है सभी 212 लोगों की नहीं बनी होगी, लेकिन जो 30-35 का ग्रुप बना होगा तो उनको तो जरूर परिचय आया होगा, सोचने का तरीका क्या है, सामने वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, सब आपने इवेल्यूएट किया होगा, किसने ज़्यादा समय खा लिया वो भी आपको पता रहा होगा, कौन यहाँ अपना व्यवसाय के लिए नेटवर्किंग के में टाइम लगा रहा तो वो भी आपको पता चला होगा, सब कुछ आपको ध्यान आ गया होगा, और इसलिए आपको पूरा प्लस माइनस पॉइंट्स मालूम है। मुझे विश्वास है कि आप इसके द्वारा अपने तरीके से इन्हीं विषयों, विषय मत छोड़िए, और नया दुनिया भर में अचानक कोई भी घटना आ जाए उस पर मत पड़िए, ये जिन चीज़ों पर आपने काम किया है जैसा चीज़ें बदलती जाए उसमें जोड़ते जाएंगे क्या, और उसको आप मॉडिफाई करेंगे और शार्पन करेंगे, काफ़ी फोकस। अब ये आइडियाज़ हैं, क्या आप आइडियाज़ के साथ रोडमैप भी बना सकते हैं क्या? अचीवमेंट के लिए आप इसी चीज़ को, रिसोर्स क्या होंगे, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या होगी, सरकार है तो नियमों से चलती है, तो नियम बदलने हैं तो नियम कैसे बदलेंगे, कौन से नियम होने चाहिए, सरकार कागज पे चलती है, जब तक चीज कागज पे नहीं उतरती है सरकार में कोई चीज नीचे नहीं उतर सकती, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, क्या आप में से कोई लीड करके भाई चलो एक महीने के बाद दोबारा कहीं बैठेंगे, आप देखिए आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप एक अपने तरीके से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, आप ही की टीम का कोई लीड करें और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अपने तरीके से नए नए लोगों को इनवाइट कीजिए, हो सकता है आप महीने में एक बार गूगल हैंगआउट से कॉन्फ्रेंस भी करें, डिबेट करें, कभी साल में एक दो बार मिलने का करें, अगर ये चीज़ें आपने की और ये मंथन चलता रहा तो आपको सरकार में समय पर चीज़ें देने का एक ताकत आएगी, और समय पर जब चीज़ आती है तो बहुत बड़ा बदलाव आता है जी। कभी कभार सरकारी तंत्र की अपनी कठिनाइयां भी हैं, अपनी खूबियां भी हैं, उन कठिनाइयों के बीच आप कभी मददगार हो सकते हैं, और हमारा देश ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों की जरूरत है, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े परिवर्तन लाती है जी। और कोशिश ही आपने आप अगर थोड़ा सा इस सरकार का काम को देखेंगे, छोटे छोटे इतने परिवर्तन हुए हैं, और जो सारी व्यवस्थाओं को बदल देते। अब जैसे एक सिंपल सा व्यवहार, आप मुझे बताइए, मेरे देश का सामान्य नागरिक, सरकार ने उस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सच्चा सच्चा जवाब है करना चाहिए, लेकिन सरकार इलेक्टेड कॉरपोरेटर पर भरोसा करती हैं, इलेक्टेड एमएलए पर भरोसा करती हैं, सरकार गेजेटेड ऑफिसर पर करती है, और ये कानून क्या था कि अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है और आपको कहीं अप्लाई करना है तो उसको सर्टिफाई कराने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा, वो एक थप्पा मार देगा और वो तो देखता भी नहीं है, बाहर एक लड़का बैठा होता है, जो भी आए उसको सिक्का लेकर थप्पा मारता रहता है, और आप सर्टिफाई लेकर के फिर सरकार को भेजते हैं। मैंने आकर के कहा क्या ज़रूरत है, सेल्फ सर्टिफिकेट कर दे दो ना, सेल्फ अटेस्ट कर दे दो ना, निकाल दिया। चीज़ छोटी है लेकिन इसमें मैसेज बहुत बड़ा है कि मुझे मेरे देश के लोगों पर भरोसा है,
बीच में कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं। हाँ, जब फाइनल आपका इंटरव्यू कॉल होगा या निर्णय करना होगा तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए उस दिन। ऐसी आपको शायद इस सरकार में 3 साल में हजारों चीज लगेगी जिसने चीजों को सरल। अब देखिए, हम करप्शन की यहाँ चर्चा हो रही थी और कुलीन बता रहा था कि हम जुडिशरी को ठीक करेंगे तो सब हो जाएगा। कुलीन कर सकता है। दरअसल देखिए, हम परिवार में जहाँ कैश रखते हैं या ज्वेलरी रखते हैं, ताला लगाते हैं, क्या ये ताला चोर के लिए होता है क्या? डाकू के लिए होता है क्या? वो तो पूरी तिजोरी उठा के ले जाने की ताकत रखता है, आपके 10 ताले तोड़ने की ताकत रखता है। ये उसके लिए नहीं है, ये इसलिए है कि घर में बच्चों की आदत खराब ना हो। ये व्यवस्था आप इसलिए बनाते हैं कि घर में बच्चों को आदत न लग जाए, अपने आप खोल करके कुछ लेने की आदत लग जाए और जेब में डाल करके बाहर फालतू आदतों में पड़ना जाए। हम अपनी व्यवस्थाओं को, अपने स्वयं को डिसिप्लिन के लिए व्यवस्था विकसित करते हैं। करप्शन भी दुर्भाग्य से इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। जब तक आप काउंटर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं करते हैं, आप उसको रोक नहीं पाते हैं। अब जैसे हमारे देश में इतने दलाल है जी, क्योंकि उनको भी तो रोजी रोटी चाहिए, वो भी एक रोजगार का क्षेत्र है, और ऐसे लोग जो बेकार हो गए वो बहुत चिल्ला रहे हैं इन दिनों, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। गरीब घर में ऐसे कई लोग जाते हैं कि बस 50,000 रुपया दीजिए, बेटे को प्यून का नौकरी दिलवा दूंगा, बस 20,000 रुपया दीजिए, इस वैकेशन में टेम्पररी जॉब दिलवा दूंगा। ऐसे दलाल घूमते हैं जी। हमने आकर के तय किया कि क्लास 3 और 4 कोई मुझे बताए क्या लॉजिक है इंटरव्यू का, और ऐसा कौन सा विश्व में मनोविज्ञान तैयार हुआ है कि जो कोई कमरे में एक व्यक्ति इधर से घुसता है, 3 लोगों की पैनल बैठी है, वो 30 सेकंड वहां से गुजरता है, वो देखते हैं किसी को फुर्सत है तो पूछते हैं, अच्छा अच्छा इंटरव्यू हो गया। मैंने साहब अभी ऐसा तो स्कैनर कहीं पढ़ा नहीं सुना नहीं। इसका मतलब ये गड़बड़बाजी की है चीज। इस सरकार ने आके निर्णय कर दिया, सरकार में 65% से ज्यादा रोजगार इन लोगों का होता है। मैंने सारे इंटरव्यू खत्म कर दिए, आपके मेरिट लिस्ट पे कंप्यूटर तय करेगा, जो टॉप मेरिट में होंगे उसको जॉब मिल जाएगा। हो सकता है 2% 5% ऐसे भी लोग आ जाएंगे जो डिजर्व नहीं करते, लेकिन वो इंटरव्यू में तो 80% ऐसे आते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसी सरकार है जो ऐसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में लगी हुई है कि जिसके कारण व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो, व्यवस्था चीजों को संभाल लेगी, और कभी कभी व्यक्ति का फिसलना संभव होता है, व्यवस्थाएं स्थितियों को बचाए रखने के लिए बहुत काम आती है। आज की दुनिया एक प्रकार से जहां गैप वहां ऐप, सारी जगह ऐप भर रही है, एक प्रकार से इंटरफेस खत्म होता जा रहा है, और उसमें अब ऐसे लोग भी घुस रहे हैं कि जो जिनके लिए चीटिंग करना बड़ा स्वाभाविक है,
एक ऐप पर दुनिया भर का काम करके दूसरे महीने दूसरी ऐप को निकाल देंगे और अपना गाड़ी चला लेंगे। लेकिन ये संभावना होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन जो है इसका मानवीय जीवन पे बड़ा प्रभाव और एक स्वीकृत प्रभाव पैदा हुआ है। आज टेक्नोलॉजी के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है जी। और जो लोग कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती है, उसमें ज़्यादातर पुरुष होते हैं जी, महिलाएं नहीं होती हैं। आप देखिए मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट जो को होगा वो सबसे ज़्यादा कहीं तुरंत मार्केट में चला जाता है, पहुंच जाता है किचन में, तो महिलाओं की पसंद के कारण सारी महिला, यानी एक अनपढ़ महिला में जो काम करने वाली किचन में काम करने वाली महिला होगी उसको भी ओवन कैसे चलाना, ढिकना कैसे चलाना, सब टेक्नोलॉजी मालूम हो जाती है। यूज़र फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ने जीवन बदल दिया है। क्या गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी सरकार के तौर तरीकों को बदल सकती है? आप लोग अलग अलग फील्ड में हैं, एक बात निश्चित है कि इनोवेशन ही जीवन है। अगर इनोवेशन नहीं है तो एक ठहराव है, और जहां भी ठहराव है वहां गंदगी है। इनोवेशन से ही बदलाव आता है जी। आप उस फील्ड में हैं क्या? आप इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्या? अगर कोई हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन क्या उसने हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले को नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार उस हैंडीक्राफ्ट को आधुनिक समय में मॉडिफाई करने के लिए उसको सिखाया क्या? अगर वो ट्रेनिंग भी साथ साथ करता है तो हमारे सामान्य गरीब व्यक्ति जो हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में काम करता है उसका एक प्रकार से वोकेशनल ट्रेनिंग कहो, स्किल ट्रेनिंग कहो, टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग कहो, उसको मार्केट की समझ कैसी है उसको समझाया तो वो प्रोडक्ट बना करके दे देता है। बांबू का फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति भी अगर हम मार्केट को ध्यान में रखते हुए, बदले हुए युग को ध्यान में रखते हुए और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाने के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे तो अपने आप को अवसर मिल जाएगा। हमारे यहाँ जो रूरल इकोनॉमी है, हमारी पूरी रूरल इकोनॉमी को सिर्फ हम खेती से न जोड़े, खेती के सिवाय भी रूरल इकोनॉमी के साथ बहुत कुछ है। हम इस डिसेंट्रलाइज व्यवस्था को कैसे बल दें? अब एक समय था हमारे देश में जब गांव का लुहार गांव की सारी बातें पर निपट लेता था, कहीं बाहर गांव के बाहर जाना नहीं पड़ता था। गांव का मोची गांव की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता था, गांव का बाहर नहीं जाना पड़ता था। इकोनॉमी ऐसी बदलती गई, सबसे बड़ा लोहार बन गया टाटा, सबसे बड़ा मोची बन गया बाटा, गांव रह गया घाटा। तो ये जो बदलाव आया है, बदलाव बुरी चीज नहीं है, हमने उसमें डिसेंट्रलाइज व्यवस्था को कैसे जोड़े? अगर ये हम जोड़ते तो हम एक ऐसी ताकत बनाते, एक ऐसी व्यवस्था विकसित करते जो देश में एक इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए काम आती। क्या आप आखिरकार स्टार्टअप्स, ये स्टार्टअप्स से कोई फैशनेबल चीज़ है ही नहीं जी। आपने देखा होगा एक डिजिटल सॉफ्टवेयर की दुनिया का जो स्टार्टअप वर्ल्ड है एक है, लेकिन दूसरे जो स्टार्टअप्स बने हैं उसने सामान्य सामान्य समस्याओं का समाधान खोजा है और रूरल बेस को पकड़ा है। मैं अभी सिक्किम गया था, एक आध साल पहले की बात है। हिंदुस्तान में सिक्किम पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, पूरा स्टेट ऑर्गेनिक है जी। और 13-14 साल लगातार मेहनत करके उन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट बनाया है। और हमारे देश के सभी हिमालयन स्टेट्स में ऑर्गेनिक स्टेट कैपिटल बनने की संभावनाएं पड़ी हुई है।
मैं एक बार सिक्किम गया तो उनके उस ऑर्गेनिक फेस्टिवल के लिए गया था, उसी दिन देश में देश को सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में समर्पित करने का कार्यक्रम था। वहाँ मुझे दो नौजवान मिले, एक लड़का एक लड़की, वे आईआईएम अहमदाबाद से सीधे पास आउट होकर के वहाँ पहुँचे थे। तो मेरा परिचय हुआ तो मुझे लगा टूरिस्ट के नाते आए होंगे, तो मैंने पूछा, बोले नहीं नहीं हम तो यहीं रहते हैं पिछले 6 महीने से। मैं क्या कर रहे हो? बोले हम लोग यहाँ का जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं इसका ग्लोबल मार्केटिंग की दिशा में काम कर रहे हैं और हमारा बहुत ही कम समय में हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। अब ये देखिए नई दुनिया है, यानी हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उसने इन चीज़ों को पकड़ा है। हम इसको कैसे बल दें, हम इसको कैसे ताकत दें, उसमें हम नई चीज़ें कैसे लाएं। वेस्ट टू वेल्थ भारत में आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा एक इकोनॉमी का क्षेत्र है वेस्ट टू वेल्थ। उसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें इनोवेशन है, इसमें रिसाइकलिंग है, इसमें सब चीज़ें हैं और भारत के लिए आवश्यक भी है। अगर हम इसको बल दें, भारत में रिसाइकल नई चीज़ नहीं है, हमारे देश के पुरातन जमाने में इन चीज़ों से लोगों का आदत थी, लेकिन बदलाव आया, बीच की लिंक टूट गई, अब उसको हमने ऑर्गेनाइज वे में करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें हम करते हैं तो हम परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा, अब ये बात सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब आईआईएम में से कैंपस प्लेसमेंट होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे बोली बोल करके उठाए थे लोगों को। क्या हम वो ड्रीम नहीं दे सकते हैं कि जो टीचर है उसका भी कैंपस प्लेसमेंट हो और वो भी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ में पहुंचे? ये संभव है जी, ये संभव है। आप हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को मिलिए, अमीर से अमीर व्यक्ति को मिलिए, गरीब से गरीब व्यक्ति से मिलिए, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे को मिलिए, सबसे अनपढ़ को मिलिए और एक प्रश्न पूछिए, एक जवाब कॉमन आएगा, उसके जीवन का मकसद क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा। किसी को भी पूछा, आपने ड्राइवर को पूछिए भाई क्या क्या सोचते हो, नहीं साहब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए मेरी तो जिंदगी ड्राइवरी में पूरी हो गई, उसको मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। साहब मैं कईयों को पूछता हूँ, गरीब व्यक्ति ड्राइवर होगा, लिफ्टमैन होगा, मैं कभी पूछता हूँ भाई कर्ज वर्ज तो नहीं है ना, तो कहते नहीं साहब कर्ज है। कर्ज किस बात का है? बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए कर्ज किया उसने। इसका मतलब हुआ कि देश में सबसे ज़्यादा मांग अगर किसी की है तो बेस्ट टीचर्स की है। हम इस बेस्ट टीचर निर्माण करने को और सामान्य व्यक्ति को लगे कि भाई टीचर बनना एक बड़ा गौरवपूर्ण काम है और मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और अब कई नए मॉडल आ रहे हैं, बहुत नए मॉडल आ रहे हैं, प्रैक्टिकल मॉडल आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे। अब उसमें बहुत बड़ा रोल कर सकती है टेक्नोलॉजी। गरीब से गरीब बच्चे को, आपको मालूम होगा हमारी सरकार जब साइलो में चलती है तब क्या करती है, हम इतने सैटेलाइट छोड़ते हैं, बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन कई ट्रांसपोंडर ऐसे थे जो अनयूटिलाइज ऐसे ही हवा में लटके पड़े थे। हमने आकर के इन साइलो को तोड़ा, स्पेस को, एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को, सबको इकट्ठा किया। अभी मैंने 32 ट्रांसपोंडर्स डेडिकेटेड टू द एजुकेशन ओनली, और वो आपको घर में एजुकेशन की एक प्रकार से फ्री ऑफ चार्ज डिलीवरी दे सकते हैं बच्चों के लिए, यानी क्वालिटी एजुकेशन विदाउट डाइल्यूजन, विदाउट डाइवर्जन, सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी गरीब से गरीब तक हमें पहुंचा सकती है। हम टेक्नोलॉजी के द्वारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बदलाव कैसे लाए? अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में नीचे से बदलाव आया तो टीचर पर अपने आप ऐसा प्रेशर आने वाला है, टीचर को बदलना ही पड़ेगा, ये स्थिति बनने वाली है।
और इसलिए इस सरकार की कोशिश ये है कि इन चीजों में आप जैसे लोग जिसके पास दुनिया को अलग तरीके से देखने का एक अवसर है, एक सिक्स सेंस भी है, उमंग है, उत्साह है, इनोवेशंस है, आइडियाज हैं, इन चीजों के साथ सरकार को कैसे जोड़ना, ये मेरी कोशिश है और उस कोशिश का ही भाग है। उसी प्रकार से आप भी और आप जैसे हम देशवासी कई लोग, देखिए सरकार की योजनाओं से हम न्यू इंडिया बना लेंगे, ये सोच न मेरी है न सरकार की है। 125 करोड़ देशवासी जब तक न्यू इंडिया का संकल्प नहीं लेते हैं, न्यू इंडिया के लिए अपने लिए काम नहीं खोजते हैं, उस काम को खुद प्रयत्न करके पूरा नहीं करते हैं, तो वो काम अधूरा रहता है। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, और आपसे भी मेरी यह अपेक्षा है कि आप जहां है वहां इस बदलाव में आप एक बात, जैसे आपके आपके जितना भी आपके यहां कोई 20 एम्प्लॉय होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, क्या कभी उनको बैठ करके बात करोगे कि बताओ भाई 2022 देश को हमने यहां ले जाना है, बताओ तुम क्या जिम्मा ले सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? और हर व्यक्ति को बहुत कुछ कर सकता है, ये वातावरण हम पैदा कर सकते हैं क्या? कभी कभी मुझे याद है, मैं जब राजनीति में नहीं था तो एक बहुत बड़े उद्योगकार, और वो ज़्यादातर गांधीयन लाइफ जीते थे, सेवा भाव में रहते थे, और उनके परिवार के एक व्यक्ति रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे, तो मेरा रामकृष्ण मिशन से नाता होने के कारण मेरा उस परिवार से नाता रहता था। तो उन्होंने एक बंद पड़ी हुई खस्ता हालत एक इंडस्ट्री परचेज की। वो बंद क्यों हो गई थी? तो हड़ताल और यूनियन बाजी इन सब से हो गई। तो मैंने ऐसे ही उनको पूछा, मैंने कहा ऐसा रिस्क कैसे लिया आपने और ये क्या हुआ, क्या परिणाम आया? तो उन्होंने मुझे सिंपल सा बताया, बोले कुछ नहीं, हमने ले लिया और मैंने पहले दिन से वहाँ जाना शुरू किया और तय किया था 6 महीने में रेगुलर वहाँ जाऊँगा, और मैं जो वो लेबर कैंटीन थी वहाँ जाकर के खाना शुरू किया, बस बैठता था वहाँ वहीं खाता था। मेरे इतने छोटे से निर्णय ने सभी मजदूरों की मेरे प्रति सोच बदल गई। उनको मैं मालिक नहीं लगता था, मुझे वो मजदूर नहीं लगते थे, वो जो खाते थे मैं खुश उनके टेबल पर वही खाता था, और उसने एक साइकोलॉजिकल परिवर्तन आया कि वो मेरे परिवार के सदस्य बन गए। और उन्होंने मेहनत ऐसी की, 6 महीने के अंदर डूबी हुई फैक्ट्री जो मैंने ली थी वो कमाऊ बच्चा बन गई। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या कभी आपने भी, आप अपने साथियों भी कहिए कि आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनके घर में 12 साल का, 15 साल का, 18 साल का बच्चा होगा, क्या साल में 1-2 बार उनको इकट्ठा किया, उनको इकट्ठे कर करके उनको मोटिवेशनल कोई अच्छी बातें की क्या, देश में बुराइयां न करना ऐसा कुछ समझाया गया? आप देखिए जैसा ही आप उनके बच्चों से अपना नाता जोड़ोगे, उसको इंक्रीमेंट मिले या न मिले, बोनस मिले या न मिले, वो आपके लिए जीवन भर समर्पित हो जाएगा। आप देख कर देखिए, मुझे ये बदलाव लाना था, मुझे बदलाव लाना। आप मुझे बताइए सरकार की इंश्योरेंस की जो व्यवस्थाएं हैं, 1 दिन का 1 रुपया, एक इंश्योरेंस ऐसा है जिसमें महीने का 1 रुपया, क्या आपके अपने एम्प्लॉय का भारत सरकार ने इतने बड़ा अच्छा पैकेज दिया हुआ है, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है, क्या आपने उनको 500 रुपया अगर उनके बैंक में जमा कर दिया आपने फिक्स डिपोजिट में, उसके ईयरली इंश्योरेंस की फी चली जाएगी, और उसके जीवन में कुछ हुआ तो 2 लाख रुपया, और दोनों इंश्योरेंस है तो 4 लाख रुपया अपने आप उस गरीब के घर पहुंच जाएंगे। सरकार की योजनाएं जो सीधी सीधी आपके साथ काम करने वाले लोगों से जुड़ी हुई है, क्या आप उसको बढ़ावा दे सकते हैं क्या?
आज आपने देखा होगा सुबह हमारे गौरव ने आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सरकार के उसके विषय में बताया होगा। आप में से बहुत लोग डिजिटल दुनिया में होंगे लेकिन शायद इस पर्टिकुलर एरिया में एंटर नहीं किए होंगे। क्या इसको मास स्केल में एंटर होकर के आप स्वयं सरकार को पुश कर सकते हैं? क्या आप सरकार को ड्राइव करने में भागीदार बन सकते हैं? क्या ये जो हमारा नाता जितना जुड़ेगा उतना मैं समझता हूँ कि हम परिवर्तन की दिशा में जो जाना चाहते हैं हम बहुत ताकत के साथ जा सकते हैं। एक एक और हम कुछ भी हैं जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, किस पद पर हैं, किस व्यवस्था में हैं, किस दुकान पर बैठे हैं, कुछ इंडस्ट्री को चला रहे हैं, लेकिन हम सब मिलकर के एक हिंदुस्तान है। 125 करोड़ देशवासियों में भाव भरना ये मेरा एक कोशिश है और मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। ये ठीक है मैं भी जितनी चीज़ें सोचता हूँ सारी कर पाऊँगा, प्रधानमंत्री हूँ तो हो जाती, ऐसा नहीं है जी। मुझे भी अपने आप को व्यवस्थाओं के बीच में जाना होता है। इसलिए हो सकता है आपके 50 सुझावों में से 40 सुझाव शायद आगे न भी चले, लेकिन 10 सुझाव भी अगर आगे चलते हैं तो देश को बहुत बड़ी मूल्यवान आपका योगदान होता है। इस भाव से हमारा प्रयत्न जारी रहना चाहिए, ऐसा कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। यार बातें तो बहुत होती, सोचते तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने जो कहा था नहीं हुआ, तुमने जो कहा वो नहीं हुआ, लेकिन तुम में से कहा हुआ बहुतों ने कही हुई ही, बहुत सी चाजें हुई हैं जिसके कारण परिवर्तन आ रहा है। ये हमने करना है। हो सकता है कभी कभी व्यवस्थाओं को अच्छी चीज़ें बहुत उम्दा होने के बाद भी एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी ना हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी पाचन शक्ति बढ़ेगी तो अच्छे अच्छे नई योजनाएं भी आएगी, नई योजनाओं का स्वीकार होगा। इस मूड में अगर आप हमारे साथ लगते हैं, और मैं चाहता हूं कि ईयरली इसको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना है तो इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, आप फीडबैक देने वाले हैं, आप बाद में ईमेल में पर भी काफ़ी चीज़ें सुझाव दे सकते हैं, आप व्यक्तियों के संबंध में भी सुझाव दे सकते हैं, आप इस कार्यक्रम के तरीके के संबंध में भी सुझाव दे सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है क्योंकि कल भी मैं शाम को आया था, सबसे आपसे मेरा मिलना हुआ था, आज भी मुझे आप सबके विचारों को जानने का अवसर मिला। कितने नई तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हैं, कितने नई तरीके से चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार में जो चीज़ें, अब जैसे मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया, एक हमने प्रयोग किया हैकेथॉन का, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया और सभी आईआईटीज वगैरह स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया था। फर्स्ट राउंड में करीब 40,000 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मैंने सरकार में कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ जो काम करते करते कठिनाई महसूस होती है, तुम्हें प्रॉब्लम लगता है, उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास नहीं है, ऐसी चीज़ों का लिस्ट बनाओ। तो शुरू में रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस ये था कि मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कैसे बताऊँ मेरे यहाँ प्रश्न है, मैं कैसे बताऊँ मेरे यहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, फिर तो मेरी बेइज्जती होगी। तो शुरू में बड़ी मुश्किल था बताना भी, तो हमारी ऑफिस के लोग लगे रहे। आखिरकार उन्होंने करीब 400 ऐसे इश्यू छांटे कि इसका कोई सॉल्यूशन खोजना चाहिए। पहले उनको लगता ही नहीं था कोई प्रॉब्लम है। अब मैंने उन 400 इश्यूज को इन बच्चों को दे दिया, स्टूडेंट्स को, कि भाई आप लोग हैकेथॉन कीजिए, इसके सॉल्यूशन लाइए। और उन्होंने 40-40 घंटे नॉनस्टॉप यूनिवर्सिटी कैंपसों में काम किए, 40,000 हिंदुस्तान की प्योरली राउंड अबाउट 16-18 एज ग्रुप इन्होंने दिमाग खपाया। और आपको जानकर के आनंद होगा इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने सॉल्यूशंस दिए हैं। रेलवे वालों ने तो दूसरे दिन उन लोगों को मीटिंग की और बुला करके उसमें से कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर दी और रेलवे के सिस्टम में लागू कर दी। सारे डिपार्टमेंट ने उस सॉल्यूशंस को अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया है। अगर मेरे देश के 16-18 साल की उम्र के नौजवान, जिसके पिताजी को पूछो बेटा क्या करता है तो 10 माइनस मार दे देगा, लेकिन वही नौजवान मेरे देश के लिए इतना काम आ सकता है, ये मेरी कोशिश है। 40,000 इन नौजवानों का काम है। आप में भी वो सामर्थ्य है। और मैं नहीं मानता हूं कि देशभक्ति मेरे में और आप में कोई अंतर है। हम सब में समान देशभक्ति है, हम सब में मन में हमारा देश आगे बढ़े, हम सबकी इच्छा है। और काम के लिए अवसर बहुत है, हम मिलकर के काम करेंगे तो बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप लोगों ने, क्योंकि
कहते भाई समय बड़ा मूल्यवान होता है, औरों को हो या ना हो, रुपये पैसे वाले की दुनिया वालों को तो जरूर होता है। और उसके बाद भी आपने समय दिया, मूल्यवान समय दिया, इसके लिए मैं सरकार की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहेंगे, इस हमारी इस टोलियों को बढ़ाते चलेंगे हम, फिर कभी टॉपिक वाइज हम मिल सकते हैं, कभी हम रीजन वाइज मिल सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। For your huge impetus and thrust to involve all the young people of India and all the young entrepreneurs of India who've assembled here today. And sir, I'd like to thank you for involving all of us in your vision and to build a new India by 1922, by 2022, sir. Sir, I would like to thank all the cabinet ministers who've joined us today.